अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल कम टू कोर्ट में। और आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल बिलिंग स्टेटमेंट, कि हम हॉस्पिटल बिलिंग स्टेटमेंट किस तरह क्रिएट करते हैं एक्सेल शीट के अंदर, यानी कि हम चार्ट किस तरह बना सकते हैं स्टेटमेंट हॉस्पिटल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ पहले से कुछ टेबल वगैरह बनाया हुआ है, और जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ सबसे जो मैंने पहले कॉलम के अंदर जो टाइटल दिया है वो दिया है पेशेंट आईडी का, पेशेंट नेम और डॉक्टर नेम। ठीक है, जिस पेशेंट को कौन से डॉक्टर ने चेक किया है, यानी कि मैंने यहाँ पर एक पेशेंट नेम दिया और उसके बराबर में डॉक्टर नेम, यानी कि डॉक्टर ए। तो इस पेशेंट को किसने चेक किया भाई? डॉक्टर ए ने। कौन से वार्ड टाइप में चेक किया? यहाँ पर मैंने कुछ तीन टाइप के वार्ड लिखे, जैसे कि नॉर्मल, आईसीयू और CCU। ये तीन टाइप के हमने यहाँ पर वार्ड टाइप लिखे। उसके बाद एडमिट डेट, पेशेंट कब हमारे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ, डिस्चार्ज कब हुआ, और उसके बाद नंबर ऑफ डेज, यानी कि कितने डेज होते हैं जो जब पेशेंट जो एडमिट हो रहा है और डिस्चार्ज होने तक कितने डेट बन रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने हो रहे हैं। उसके बाद वार्ड चार्जेस, डॉक्टर फीस और टोटल अमाउंट। तो स्टेप बाई स्टेप हम देखेंगे हमें किस तरह क्या काम करना है। मैं आपको सिंपल प्रोसेस में या आपको आसानी के साथ सिखाऊंगा। तो देखें, यहाँ पर मैंने एक और चार्ट बनाया हुआ है डॉक्टर नेम का, और डॉक्टर ए की जो फीस है वो 1500 रुपये, डॉक्टर बी की 2000 रुपये और डॉक्टर सी की जो है वो 2200 रुपये है। इसी तरह हम यहाँ पर वार्ड टाइप का भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वार्ड टाइप, ठीक है, और फीस, पर डे फीस कितनी है। नॉर्मल की जो हमारी फीस है पर डे वो है 3000 रुपये, आईसीयू की जो फीस है वो है 5000 रुपये पर डे, और सीसीयू की जो फीस है वो हमारे पास 4000 रुपये है पर डे। तो हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है, इसे हम एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स पे मैंने क्लिक किया, सेंटर कर लेते हैं, अलाइन मार्जिन बिल्कुल सेंटर एंड सेंटर, और इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैंने कुछ पेशेंट नेम टाइप किया हुआ है, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम और डॉक्टर नेम और वार्ड टाइप। अब यहाँ पर पेशेंट कब एडमिट हो रहा है हमें वो टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, पेशेंट जो हमारा एडमिट हो रहा है वो 1 तारीख को हो रहा है, 1 फेब 22, और डिस्चार्ज कब हो रहा है? 5 फेब 22 को, यानी कि कितने दिन हो गए? 5 दिन। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्चार्ज डेट को माइनस करवाना है एडमिट डेट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट को हमने किया ओपन, डिस्चार्ज डेट माइनस एडमिट डेट, ब्रैकेट क्लोज्ड, इंटर। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं चार, लेकिन यहाँ पर कितने डेज बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। तो हमें सिंपल यहाँ पर क्या काम करना है, +1। तो जैसे हमने यहाँ पर +1 किया, तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ डेज क्या हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर कब एडमिट हुआ? 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। तो हमारे नंबर ऑफ डेज क्या आ गए? 5। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? वार्ड चार्जेस। वार्ड चार्जेस क्या है हमारे, जैसे कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर टाइप किया कि हमारे जो वार्ड चार्जेस है, जैसे नॉर्मल के 3000 रुपये है पर डे, आईसीयू के 5000 रुपये और सीसीयू के 4000 रुपये। तो सिंपल हम यहाँ पर इफ़ का कंडीशन अप्लाई करते हुए ये फॉर्मूला लिखेंगे कि इक्वल इफ़। ठीक है, उसके बाद हम क्या सिलेक्ट करेंगे? वॉट टाइप, इक्वल का साइन लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे? नॉर्मल, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई, नॉर्मल की हमारी फीस क्या थी? 3000 रुपये। हमने यहाँ से 3000 को सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर सिंपल 3000 लिख भी सकते हैं, या आप 3000 को यहाँ इस सेल को सिलेक्ट कर लें जो नॉर्मल वॉट टाइप के चार्जेस है। यहाँ पर हमारा नॉर्मल का काम क्या हो चुका है, नॉर्मल जो हमारे पास वॉट टाइप है उसका काम ख़त्म हो चुका है। अब हम काम करते हैं आईसीयू के लिए, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा इफ़ का कंडीशन अप्लाई करूंगा इफ़, उसके बाद मुझे दोबारा से क्या करना है, नॉर्मल को सिलेक्ट करना है, यानी कि इस वाले सेल को इक्वल का साइन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब हम लिखेंगे आईसीयू। कि जैसे ही ये हमारा जो फॉर्मूला है इस कॉलम के अंदर कहीं पर भी आईसीयू को रीड करे, तो क्या हो जाए भाई, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई हो जाए
आईसीयू के चार्जेस से, यानी कि आईसीयू के जो चार्जेस है वो मल्टीप्लाई किससे हो जाए, नंबर ऑफ डेज से, और हमारे पास वॉट चार्जेस आ गए, वॉट चार्जेस आ जाए हमारे पास। सिंपल मैं यहाँ पर लगाऊंगा कॉमा, दोबारा इफ का कंडीशन अप्लाई करूंगा सीसीयू के लिए, मैं यहाँ पर दोबारा से नॉर्मल वॉट टाइप को सिलेक्ट किया, यानी कि मैंने सेल को सिलेक्ट किया, इक्वल का साइन मैं यहाँ पर लगाऊंगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा सीसीयू ब्रैक कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डेज को सिलेक्ट करूंगा और मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास सीसीयू वॉट टाइप के चार्जेस है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट को क्लोज तीन टाइम, क्योंकि मैंने यहाँ पर तीन टाइम ब्रैकेट को ओपन किया और मैं तीन टाइम यहाँ पर क्लोज भी करूँगा। जस्ट मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ चुका है वॉट चार्जेस किसके, नॉर्मल के। तो नॉर्मल के हमारे 5 दिन के कितने चार्ज, हमारे पास जो नॉर्मल की जो फीस थी पर डे वो 3,000 रुपये थी, अगर हम 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखें यहाँ पर 15,000 आ चुका है, जो कि यही कैलकुलेशन बनती है। उसके बाद मैं यहाँ पर डॉक्टर फीस निकालूंगा, डॉक्टर फीस भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से निकलेगा। डॉक्टर हम यहाँ पर दोबारा से इफ़ की कंडीशन अप्लाई करेंगे इफ़, और यहाँ पर हम करेंगे डॉक्टर सेल को सिलेक्ट, इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे डॉक्टर ए, कि जैसे ही हमारा ये फॉर्मूला इस सेल में कहीं भी डॉक्टर ए को रीड करे तो क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए हमारे डॉक्टर फीस और डेज से, यानी कि डॉक्टर फीस मल्टीप्लाई बाई डेज। तो हमने यहाँ पर डेज को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाई डॉक्टर ए की जो फीस है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा और उसके बाद दोबारा से इफ़ की कंडीशन अप्लाई करेंगे इफ़, दोबारा से हमने क्या करना है C4, यानी कि जो हमारा डॉक्टर सेल है वो क्या है C4, हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं C4, इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉक्टर बी, क्लोज करेंगे, यहाँ पर कॉमा में लगाना भूल गया था, मैंने यहाँ पर लगा लिया कॉमा, यहाँ पर भी मैं लगाऊंगा कॉमा। अब क्या करना है, नंबर ऑफ डेज को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई डॉक्टर बी, यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा कॉमा। अब मैं इफ़ काम करूँगा डॉक्टर सी के लिए, मैंने दोबारा से यहाँ पर C4 सिलेक्ट किया, इक्वल यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्टर सी, मैंने यहाँ पर डॉक्टर सी लिख के कॉमा लगाया, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाई क्या है हमारा N4, हमने यहाँ पर लिख लिया N4, और यहाँ पर हम 3 टाइम दोबारा से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर फीस की कैलकुलेशन आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हम किस तरह निकालेंगे, वॉट चार्ज को और डॉक्टर फीस को हम क्या करेंगे, सम करवा देंगे, यानी कि ऐड करवा देंगे। तो इक्वल वॉट चार्ज प्लस डॉक्टर फीस, इंटर हमने प्रेस किया तो देखें यहाँ पर हमारे पास आ चुका है हमारा टोटल अमाउंट। अब मैं इसको यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, इनको इसको भी करता हूँ नीचे की तरफ ड्रैग, इसे भी मैंने किया और इसे भी। अब देखें अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अगर कोई भी आईसीयू के अंदर कोई अगर एडमिट हो रहा है तो मैंने यहाँ पर आईसीयू का कब एडमिट हो रहा है मैं वो टाइप करता हूँ, जैसे कि 6 फेब 22, और डिस्चार्ज कब हो रहा है वो 15 फेब को डिस्चार्ज हो रहा है। तो कितने डेज बन रहे, 10 डेज बन रहे, और उसके देखें यहाँ पर वॉट चार्जेस भी आ चुके, क्योंकि हमने आईसीयू के यहाँ पर क्या चार्जेस रखे थे 5,000 रुपये। तो ये क्या हो गए, एक मिनट यहाँ पर फॉर्मूले में कुछ मसला है, सेल सिलेक्ट, देखिए यहाँ पर हो चुका है सेल मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेल की जगह N8 की जगह हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है ये N7, N9 की जगह हम यहाँ पर N8 सिलेक्ट कर लेते हैं और N10 की जगह 9। तो जस्ट ये देखें मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया, मैं इंटर प्रेस करूँगा तो देखें यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेशन सही हो चुकी है अब, ठीक है। यानी कि 5,000 को हमने 10 टाइम क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास कितने आ गए 50,000 रुपये, और डॉक्टर फीस क्या बन रही है, ठीक है। यहाँ पर भी एक मसला आ चुका है, हम यहाँ पर N2 N3 कर लेंगे इसको और N4। तो हमारे पास ये सही सिलेक्शन हो चुकी है, अब सेल की इंटरप्रेस करूँगा यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेशन अब आ चुकी है सही।
और यहाँ पर आ चुका है मेरा टोटल। तो कुछ ये प्रोसेस था हमारा। अब हम यहाँ पर सीसीओ की भी एक तरीके से कर लेते, जैसे कि 10 फेब 22 और 22 फेब 22। हमने टैप प्रेस किया। यहाँ पर हमारे पास वॉट चार्जेस नहीं आ रहे, काउंट हुए। फॉर्मूले में देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। तो फॉर्मूले में हमारा मिस्टेक आ रहा है, ये बिल्कुल सही से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, N10 की जगह सिलेक्ट करना है जो हमारा नॉर्मल वाला सेल है उसे। 11 की जगह हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ICU का। और CCU का हमने सिलेक्शन क्या कर लेना है, CCU का। जस्ट यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है हमारी कैलकुलेशन। तो ये सिंपल सा हमारे पास प्रोसेस था हम किस तरह हॉस्पिटल बिलिंग स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।